So it's been 2 years since Samsung launched any fitness band, but what it did with the Samsung Galaxy Fit 3. So India में बहुत ही कम fitness trackers हैं जो अच्छे और properly काम करते हैं. बाकी तो market is already flooded with lots of toy smartwatches. Special thanks to these guys. लेकिन Samsung की smartwatches की reputation अच्छी है market में. But what about this fitness tracker? So these four categories will decide कि ये band की reputation क्या रहेगी market में. Design, software, data accuracy and its battery life. And इनमें से दो categories में ये थोड़ा सा पीछे रह जा रहा है. Sorry for the spoiler guys, let's go. Considering it's 2024 and Samsung ने still decide किया कि हम non-uniform और थोड़े मोटे bezels के साथ जाएंगे. Which looks a little off in my opinion. By the way, Band's display is great, एक AMOLED panel and brightness is also very good. Indoors में भी और outdoors में भी. Brightness काफी सही आती है. I'm not throwing nits number over here because as you already know, it's a gimmicky part. Watch faces are also good, काफी सारे इसमें present है और जो watch face है ना वो AOD के साथ blend भी हो जाता है. If you took other bands of different brands, then you will see design is now very common among these. जो actual band का form factor था वो तो जा ही चुका है अब market से. Good old Mi Band days. आप अगर Mi Band use करते थे तो आप definitely याद करोगे. Now the form factor is rectangular and you can see how it is looking on medium size wrist. Personally, I feel कि thin wrist के लिए ये band थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा size में, but that's personal taste. Even straps का locking mechanism Apple वाला है और you can't change regular aftermarket straps. आपको Samsung Fit 3 series के ही straps लेने पड़ेंगे जो इसमें लगेंगे, जो मुझे personally पसंद नहीं आया. Overall quality काफी सही है इसकी and it is quite soft and comfortable. But इसमें कोई display protection नहीं है, ना ही Gorilla Glass है और Samsung ने कुछ यहाँ पे mention किया हुआ है. And water resistant rating भी है इसमें, तो ये 5 ATM तक आप इसको डुबो सकते हो पानी में और ये खराब नहीं होगा. So everything is quite common, right? Like competition भी same चीजें provide कर रहा है, Samsung भी same चीजें provide कर रहा है. But still Samsung is getting slight edge over the competition because ये दो bundled चीजें आपको provide कर रहा है जो competition provide नहीं कर रहा है. It comes with a metallic build. बाकी bands भी similar price पे आते हैं, but none of them comes with a metallic build. सारे प्लास्टिक के मटेरियल के बने हुए हैं. सेकंड इंपॉर्टेंट पर्क इज कि इसमें आपको ऑटो ब्राइटनेस सेंसर मिलता है, तो ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू लाइट कंडीशंस. प्लस इसमें एक 60 हर्ट्ज का स्मूथ रिफ्रेश रेट वाला पैनल है जो बाकी बैंड्स में नहीं है. वेल ये सेम चीज लास्ट ईयर Xiaomi Band 8 में भी देखने को मिला था और वो मस्त काम करता है. स्टिल यू विल से कि चीजें काफी सिमिलर टाइप की फील हो रही है, ज्यादा कुछ नया लग नहीं रहा है. एंड स्पेशल वो सड़े हुए बेजल्स इसमें ऊपर नीचे और मोटा चिन है इसका कितना बड़ा. बट चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी एज वी मूव इनटू द नेक्स्ट कैटेगरी. सो इन प्रैक्टिकल टर्म्स, इन बैंड्स की स्क्रीन थोड़ी छोटी होती है, सो यू कांट पुट एवरीथिंग इन इट. इधर यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद सम फंक्शनैलिटीज, एनिमेशन, स्मूथनेस एंड व्हाट नॉट. बट Samsung इज लाइक विल नॉट प्रोवाइड यू एवरीथिंग, बट विल प्रोवाइड यू सम थिंग्स इन अ पॉलिश्ड वे. सो हियर आर सम पॉलिश्ड फीचर्स दैट दिस बैंड इज हैविंग एंड विल टॉक अबाउट द मिसिंग फीचर्स एज वेल. सबसे पहली चीज, काफी स्मूथ फील होता है एंड लुक एट दोज एनिमेशंस, काफी स्नैपी है. इवन लिफ्ट रिस्ट टू वेक इज सो प्रॉपर एंड आइकन्स आर ऑल्सो लुकिंग गुड. कस्टमाइजेशन इज ऑल्सो गुड, यू कैन एडिट टाइल्स ऑन द गो एंड शफल इट. क्विक पैनल इज ऑल्सो कस्टमाइजेबल और Samsung के गैलेक्सी वॉच से ये काफी हद तक इंस्पायर्ड है. आई मीन इसके आइकन्स, एनिमेशन और जितने सेटिंग्स वगैरह आप इसमें चेंज कर सकते हो. आप होम बटन के एक्शंस को भी कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से. ऑन डबल क्लिक यू कैन सेलेक्ट वर्कआउट मोड्स. 5 टाइम प्रेस करने पे इमरजेंसी मोड एक्टिवेट हो जाता है और आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को आपकी लोकेशन चली जाती है. प्लस आपकी मेडिकल इन्फॉर्मेशन भी दिखती है ऑन स्क्रीन, विच इज हैंडी फीचर इफ यू आर इन ट्रबल. एवरी टाइम यू रिसीव अ नोटिफिकेशन ऑन योर फोन, it reflects on the band and yes you can reply to notifications, but there is a catch. Since इसमें कीबोर्ड नहीं है तो आपको कुछ replies पहले से बना करके सेव करके रखने पड़ेंगे, उनको आप चूज कर सकते हो रिप्लाई करने के लिए. बट एक चीज अच्छी लगी मुझे कि ये सारे एप्लीकेशन पे एप्लीकेबल है. आई मीन व्हाट्सएप के मैसेजेस को मैं सेव्ड replies में से चूज करके रिप्लाई कर सकता हूँ. म्यूजिक कंट्रोल्स आर देयर बट स्टिल यू कांट स्क्रोल प्लेलिस्ट. मतलब लाइक इट्स 2024 Samsung, गैलेक्सी वॉच में कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते थे. एक स्पेशल चीज जो मैंने देखी इस बैंड में कि इसमें कैलेंडर एप्लीकेशन है जो एक्चुअल में हैंडी फीचर है और आप टास्क और इवेंट्स आराम से सेलेक्ट कर सकते हो बैंड के स्क्रीन पे ही. Samsung की गैलेक्सी वॉच जो वेयर ओएस पे चलती है उसमें से इसमें दो फीचर्स डाले हैं Samsung ने. DND सिंक वाला फीचर, जिसमें अगर आप बैंड को DND में डाल रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका फोन भी DND में चला जाएगा और सारी चीजें DND हो जाएंगी. यू कैन पुट वाटर लॉक ऑन द स्क्रीन जिससे ये इधर उधर के अनऑथराइज्ड टचेस नहीं लेगा, जो यूजफुल है. प्लस देयर इज अ यूनिक थिंग इन दिस बैंड,
इसका सॉफ्टवेयर इतना ऑप्टिमाइज्ड है कि आप वर्कआउट स्टार्ट करके अगर उसको मिनिमाइज कर देते हो तो वो बैकग्राउंड में रन करेगा और आप बाकी चीजें इसमें परफॉर्म कर सकते हो, जो एक छोटी सी चीज है बट स्टिल बहुत सारे बैंड्स और वॉचेस लैक करते हैं इस फीचर को। हैंडलिंग एप्लीकेशन इज ऑल्सो गुड। यहाँ पे सैमसंग ने दो सेपरेट एप्स बना रखे हैं, एक वेरिएबल एप्लीकेशन है जिससे इसकी वॉच और बैंड कनेक्ट होती है और दूसरे वाली जो एप्लीकेशन है वो हेल्थ एप्लीकेशन है। तो जितने भी वॉच के और बैंड के सेटिंग्स आपको चेंज करने हो आप वेरिएबल एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं और हेल्थ एप्लीकेशन के अंदर आपको सारे हेल्थ रिलेटेड मेट्रिक्स देखने को मिलेंगे। तो बस सिंपल है और ये सेम चीज एप्पल भी करता है। एप्पल की हेल्थ एप्लीकेशन है और एप्पल की वॉच एप्लीकेशन है। तो सैमसंग बोलना बुरा लग जाएगा लोगों को सुनने में, फैन बॉयज आ जाएंगे फिर। सो आई विल नॉट से मच थिंग्स। एनीवेज द एप्लीकेशन इज क्वाइट गुड, पॉलिश और सारी चीजें प्रॉपर्ली काम करती हैं और सब कुछ अच्छे से कस्टमाइज हो जाता है, सेटिंग्स वगैरह चेंज हो जाती है, जो अच्छी चीज़ है। अब मैं इतना हाथ हिलाता हूँ ऐसा ऐसा करके, तो देखो यहाँ पे ऑटो वर्कआउट इसमें स्टार्ट हो गया है और ये 20 मिनट से वर्कआउट रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये भी एक सैमसंग का फीचर है जो ऐसे ट्रिगर हो गया बीच में अपने आप। ओके, तो ये थी सारी तारीफें इस ब्रांड की और ये थी पॉलिश चीज़ें। अब हम बात करेंगे जो चीज़ें इसमें से मिसिंग है और सैमसंग बिल्कुल प्रोवाइड कर सकता था। कंपटीशन में अमेज़फिट बैंड 7 है जो इससे थोड़ा सस्ता आता है प्राइस में और इसमें ज़ेप ओएस प्रेजेंट है जिसमें आप बाहर से ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं ज़ेप स्टोर को यूज़ करके। आपको लगेगा क्या ही इंस्टॉल कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी इंस्टॉल कर सकते हैं, इस बैंड में कीबोर्ड आ जाता है तो आप लेटर्स टाइप कर सकते हैं, प्लस नेविगेशन के लिए मैप्स एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, बट सैडली सैमसंग का ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे और इट इज़ नॉट गुड। ब्लूटूथ कॉलिंग इज नॉट देयर। इट्स 2024 सैमसंग, क्या कर रहे हो यार, 5,000 रुपए ले रहे हो घड़ी के, उसमें ब्लूटूथ कॉलिंग नहीं डाल के दे रहे हो। वेल यू कैन साइलेंट कॉल नोटिफिकेशन एंड यू कैन रिप्लाई विद मैसेज टू। इट इज नॉट सपोर्टेड इन iPhones। यस यू हर्ड इट राइट, ये iOS के साथ कंपैटिबल नहीं है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इसमें NFC का सपोर्ट होगा तो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वगैरह कर पाएंगे और मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि यार ये सैमसंग का है और सैमसंग अच्छी करता है चीजें, तो करनी चाहिए थी इसमें भी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो इसमें से मिसिंग है, डेट इज इनबिल्ट GPS का चिप। तो इसमें इनबिल्ट GPS प्रेजेंट नहीं है। जब भी कभी आप आउटडोर वर्कआउट करेंगे, आउटडोर साइकिलिंग, आउटडोर रनिंग, तो आपको मोबाइल अपना साथ में कैरी करना पड़ेगा फॉर GPS सिंकिंग, तभी आप रूट्स वगैरह ट्रैक कर पाओगे, सिंक कर पाओगे बैंड के साथ, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। सैमसंग टोल्ड कि इसमें फॉल डिटेक्शन वाला फीचर है, बट आई ट्राइड टू फॉल मल्टीपल टाइम्स बट इसने कभी डिटेक्ट नहीं किया। सो दीज आर माई मिक्स थॉट्स अबाउट दिस बैंड एंड इन दिस कैटेगरी आई वुड से कि सैमसंग ने काफी सारे इंपॉर्टेंट बेसिक चीजों को चेक करा है यहाँ पे। ओके, सो द नेक्स्ट कैटेगरी इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट कुड मेक दिस स्मार्ट बैंड अ वंडरफुल फिटनेस ट्रैकर और जस्ट ब्रेक इट as an average Indian toy smartwatch. Okay, so majority of people will buy this band for fitness tracking purpose. And fitness tracking के लिए इस band में दो sensors हैं, एक heart rate का और दूसरा SpO2 का, मतलब in simple words आपके health metric को measure करने के लिए। So at first we'll check out its heart rate sensor accuracy. अब हार्ट रेट सेंसर की एक्यूरेसी चेक करने के लिए आई एम यूजिंग पोलर H10 ECG चेस्ट स्ट्रैप जो 99% एक्यूरेट डिवाइस है। तो हम क्या करेंगे अब दोनों डिवाइसेस में, आई मीन पोलर H10 चेस्ट स्ट्रैप में और एट द सेम टाइम गैलेक्सी फिट 3 में वर्कआउट रन करेंगे और एट लास्ट हम दोनों के डेटा को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कितना का डिफरेंस आता है। सो नाउ यू नो कि कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। लेट्स गो फॉर आउटडोर साइकिलिंग। Well, it comes with 100 workout modes and starting a workout mode is very easy and quick. Workout screen पे you can see the metrics such as your current heart rate, timing and आपको music controls भी मिलते हैं just for changing tracks and everything. So workout interface is quite good, सारी चीज़ें अच्छे से कर लेता है, record भी कर लेता है. But the main question is कि इसका heart rate sensor कितने accurate है. तो उसके लिए let's get straight into the comparison. तो मैंने यहाँ पे 19 से लेके 20 किलोमीटर का cycling workout perform कराया है और duration around 1 hour का था. तो यहाँ पे जो graph आपको देखने को मिल रहा है इसमें polar H10 ECG chest strap का data है जो 99% accurate है और Galaxy Fit 3 का data है. दोनों के data का comparison आप देख सकते हो यहाँ पे कि दोनों के ग्राफ कितने ज्यादा एक दूसरे से क्लोज है। तो ब्लू वाले जो डॉट्स है, जो ग्राफ बन रहा है ब्लू डॉट्स है, वो गैलेक्सी फिट 3 का है और जो ऑरेंज वाले डॉट्स है
वो पोलर H10 के डॉट्स है। तो हार्ट रेट में जहां पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आए हैं वहां पे ये बिल्कुल भी कोप अप नहीं कर पाया है। आप देख सकते हैं कि हार्ट रेट काफी लो दिखा रहा है गैलेक्सी फिट 3 का, और पोलर H10 का हार्ट रेट काफी बंप गया हुआ है। तो जब भी मैं इंटेंस वर्कआउट करता हूं तो मेरा जो BPM है वो बहुत ज्यादा बंप अप चला जाता है, लाइक 200 पार कर जाता है। बहुत लोगों का नहीं करता है बट मेरा कर जाता है। तो जितनी भी मैंने अभी तक फिटनेस बैंड्स रिव्यू करे हैं सारे 200 के ऊपर जाने पे डेटा को छोड़ देते हैं, मतलब वो बिल्कुल भी कोप अप नहीं कर पाते। ऑलराइट, तो इंटेंस वर्कआउट के केस में डेफिनेटली ये स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज्यादा स्पीड से आने लगता है साइकिल, अचानक एकदम 45-50 किलोमीटर पर आवर लाइक ढलान आती है, तो फिर एलिवेशन आ जाता है, तो फिर स्लो हो जाता है साइकिल। तो उस केस में बहुत ज्यादा बम जाता है हार्ट रेट, फिर लो हो जाता है, बम्प लो बम्प लो। तो ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है, बट नॉर्मल वर्कआउट अगर आप करते हैं सेम रिदम को फॉलो करते हैं थ्रू आउट द वर्कआउट तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। क्योंकि एज यू कैन सी जहां पे बहुत ज्यादा स्पाइक्स आए हैं ना ग्राफ में, अप एंड डाउन गया है डेटा, वहीं पे बस ये स्ट्रगल कर रहा है, बाकी सब जगह अच्छे से कोप अप कर पा रहा है। मूविंग फर्दर इनटू स्लीप मॉनिटरिंग पार्ट, मैंने यहाँ पे एप्पल वॉच सीरीज 8 यूज किया है इसके डेटा को कंपेयर करने के लिए, बिकॉज एप्पल वॉच सीरीज 8 इज द मोस्ट एक्यूरेट स्लीप मॉनिटरिंग डिवाइस। और मैंने यहाँ पे 2 रात का डेटा रिकॉर्ड करा है, पहले रात के डेटा में तो मुझे बहुत ज्यादा का डिफरेंस देखने को मिला, ये बिल्कुल भी कोप अप नहीं कर पा रहा था एप्पल वॉच सीरीज 8 के साथ। ओवरऑल स्लीप ड्यूरेशन तो यहाँ पे थोड़ा मैच हो भी जा रहा है, बट REM प्लस कोर स्लीप, लाइट स्लीप, डीप स्लीप बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है। अब दूसरे वाले रात के डेटा में मुझे थोड़े बहुत क्लोज रीडिंग्स देखने को मिले, बट स्टिल ये काफी ज्यादा का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है स्लीप मॉनिटरिंग में। एज यू कैन सी ओवर हियर द ओवरऑल स्लीप ड्यूरेशन इज वेरी सिमिलर, बट रेस्ट ऑफ द अदर इनडेप्थ मेट्रिक्स आर बिट डिफरेंट, एंड अवेक टाइम तो पूरा का पूरा गलत ही शो कर रहा है। सो आई वुड से इन टर्म्स ऑफ स्लीप मॉनिटरिंग इट इज नॉट वेरी एक्यूरेट, आई मीन ओके टाइप्स है, और सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ मे बी सैमसंग इसको फिक्स कर सकता है, मे बी, आई डोंट नो। कमिंग टू SPO2 सेंसर, सो इट इज वेरी एक्यूरेट एज आई कंपेयर्ड इट विद गैलेक्सी वॉच 4, और मैंने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे लाइक एक दो घंटे पे रीडिंग्स लिए हैं, एंड यू कैन सी काफी एक्यूरेट रीडिंग्स आए हैं। एंड देयर इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसका कैलोरी ट्रैकर बहुत ज्यादा इनएक्यूरेट है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा, कुछ देर में डिस्कस करेंगे। एंड इट सपोर्ट्स स्ट्रावा एंड गूगल फिट, तो आप इसके डेटा को स्ट्रावा और गूगल फिट के साथ सिंक भी कर सकते हैं। सो टॉकिंग अबाउट द स्टेप्स मॉनिटरिंग पार्ट, तो इट इज फेयरली एक्यूरेट, बट देयर इज अ कैच, ये सिर्फ वर्कआउट मोड में एक्यूरेट है। अगर आप पूरे दिन भर का डेटा देखोगे देन इट इज फेयरली इनएक्यूरेट, क्योंकि आप दिन भर में कितना हाथ हिला रहे हो हु नोज, बट स्पेसिफिक वर्कआउट मोड में इट इज फेयरली एक्यूरेट। नाउ कमिंग टू द लास्ट कैटेगरी, सो आई एम यूजिंग दिस बैंड फ्रॉम लास्ट 3 to 4 days, 24x7 सारे फीचर्स और मोड्स मैंने ऑन किए हुए हैं, इवन AOD ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी इसका ऑन है। तो इस बैंड की बैटरी एक दिन में 20-30% तक गिर जा रही है अगर आप इसको अच्छे से यूज कर रहे हो। सो इन सिंपल वर्ड्स, अगर एक्सटेंसिवली यूज करेंगे तो ये 2-3 दिन तक आराम से चल जाएगा। अब सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है क्योंकि मार्केटिंग काफी डिफरेंट एंगल पे की जा रही है और जो रियलिटी है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट एंगल पे है। नाउ कमिंग टू द फाइनल जजमेंट पार्ट, टू डिजाइन बिल्ड एंड डिस्प्ले आई गिव 8 out of 10, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर 8 out of 10 स्ट्रेट, डेटा एक्यूरेसी के मामले में आई गिव 6 out of 10, इसको मैं जस्टिफाई करूंगा कुछ देर में। और बैटरी लाइफ में 8 out of 10, क्योंकि जितने बजट फिटनेस ट्रैकर्स हैं वो ऐसे ही बैटरी लाइफ आपको प्रोवाइड करते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप स्लीप मॉनिटरिंग को साइड रखते हैं और नॉर्मल वर्कआउट परफॉर्म करते हैं, इंटेंस वर्कआउट नहीं, लाइक मैं बहुत ज्यादा इंटेंस कर जाता हूं, तो इन दैट केस आप इस बैंड को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर काफी अच्छा है और अंडर 5000 में और बैंड्स नहीं है जो इसके क्लोज भी आ पा रहे हैं। नाउ इफ यू रिमेंबर, मैंने बोला था इस बैंड का कैलोरी ट्रैकर बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है, और पूरे दुनिया भर में जितनी भी स्मार्ट वॉचेस बिकते हैं आपको कंपनीज झूठ बोल के स्मार्ट वॉचेस बेचती है कि उसका कैलोरी ट्रैकर परफेक्ट है। इस वीडियो में क्लिक कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा।